गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम सुजय गुप्ता है। आप देख रहे हैं कार्लो डॉट इन आंसर्स एट फाइव का एक और बहुत ज़्यादा मज़ेदार एपिसोड। फ्राइडे को हम लोग मिले थे, हम लोगों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी डिस्कशन की, एक मज़ेदार सा टॉपिक लेके आया था। अगर आपने मिस कर दिया हो तो कार्लो डॉट इन के यूट्यूब चैनल पर जाइए, youtube.com/carlo.in, और वहाँ पर जाके ज़रूर देखिए हम किस तरह का कॉन्टेंट पोस्ट कर रहे हैं, क्या क्या हम उसमें बताते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में, और व्हाट आर द न्यू थिंग्स दैट आर कमिंग इन दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, और किस तरह के कंपैरिजंस हम लोग गाड़ियों के बीच में करते हैं। काफ़ी इंफॉर्मेटिव होता है, काफ़ी इस पर अच्छा रिस्पांस आ रहा है हमें, काफ़ी लोगों ने हमारी सराहना की है और काफ़ी आइडियाज़ और सजेशंस भी आए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे होंडा सिटी वर्सेज हुंडई वर्ना वर्सेज मारुति सियाज, माइलेज कंपैरिजन। कैसी हैं ये गाड़ियाँ, क्या है इन गाड़ियों की फीचर्स, क्या मैन्युफैक्चर ने सोच के बनाया है और क्या क्या चीज़ें इनमें उपलब्ध हैं। आइए देखते हैं कि क्या कंपैरिजन है एक होंडा सिटी नई जनरेशन 2020 में, एक हुंडई वर्ना में और एक मारुति सियाज में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे होंडा सिटी में जो पेट्रोल इंजन आ रहा है वो 1.5 लीटर का आईवी टेक इंजन आ रहा है, और हुंडई वर्ना में 1.5 लीटर और 1 लीटर टर्बो दो पेट्रोल इंजन आ रहे हैं, जबकि मारुति सियाज में एक 1.5 लीटर इंजन आ रहा है। 1.5 लीटर का मतलब होता है 1500 सीसी। इसी में अगर हम डीजल की बात करेंगे, होंडा सिटी डीजल में 1.5 लीटर अगेन आईडी टेक इंजन आ रहा है, और 1.5 लीटर हुंडई वर्ना में इंजन आ रहा है, और मारुति सियाज में अभी तक डीजल इंजन नहीं इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर हम पेट्रोल के गियर बॉक्स की ऑप्शंस की बात करेंगे तो आपका होंडा सिटी में जो है 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आ रहा है और 7-speed CVT आ रहा है। सेम गोज़ फॉर हुंडई वर्ना, जिसमें पेट्रोल में 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आ रहा है और 7-speed CVT या 7-speed DCT टर्बो आ रहा है जो डीजल के लिए होता है। और अगर मारुति सियाज की बात करेंगे उसमें अभी भी 5-speed मैनुअल आ रहा है और 4-speed ऑटोमेटिक आ रहा है, अभी तक वो ज़्यादा अपग्रेडेशन हुई नहीं है उसकी। अगर हम डीजल के गियर बॉक्स की बात करेंगे तो होंडा सिटी में 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आ रहा है, और वरना में 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और 6-speed ऑटोमेटिक आ रहा है, एंड ऑफ कोर्स मारुति सियाज में डीजल वेरिएंट भी आया ही नहीं है। हम लोग एकदम से गियर बॉक्स और सीसी की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमें माइलेज कंपैरिजन करना है तीनों गाड़ियों का। अगर हम देखेंगे जिस तरह की जो नई सिटी है वो 1.5 लीटर आईवी टेक इंजन से 120 bhp प्रोड्यूस कर रही है, और जबकि डीजल इंजन से आईडी टेक इंजन से वो 100 bhp प्रोड्यूस करती है। वरना में जो है वो तीन नए इंजन आए हैं ऑप्शन, जिसमें 1.5 लीटर पेट्रोल है और 1.5 लीटर डीजल है और 1 लीटर पेट्रोल टर्बो है। तो जो पेट्रोल और डीजल के जो वेरिएंट्स हैं, इंजन साइजेस हैं, वो 115 bhp प्रोड्यूस करते हैं, जबकि 1 लीटर टर्बो पेट्रोल जो इंजन वर्ना ने लॉन्च किया है वो 120 bhp प्रोड्यूस करता है 172 nm टॉर्क के हिसाब से। सियाज का जो 1.5 लीटर का इंजन अभी भी आ रहा है, पुराना इंजन है, पेट्रोल इंजन है, जिसमें अभी इतने ट्वीक्स और पावर आउटपुट के ऑप्शंस नहीं आए हैं, वो 104 bhp जनरेट करता है। आइए माइलेज की बात करते हैं। होंडा सिटी पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन 17.8 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है। ये सारी माइलेजेस ARAI के हिसाब से हैं। अगर हम ब्रांड्स के हिसाब से बात करेंगे तो होंडा हुंडई की, अगर आपको माइलेज जो मैं आगे बताने वाला हूँ, होंडा हुंडई और मारुति की तीनों की माइलेज इन सिटी विद एसी इन नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन, नॉट अंडर टेस्ट कंडीशन, अगर हम बात करेंगे तो जो भी मैं माइलेज बताऊँगा उससे आप 1 से 1.5 किलोमीटर कम मान के चलिए, क्योंकि टेस्ट कंडीशन में एक आइडल कंडीशन होती है जिस हिसाब से गाड़ी की माइलेज को कैलकुलेट किया जाता है, ARAI उसे अप्रूव करता है। तो आइए बताता हूँ मैं होंडा सिटी हुंडई वर्ना और मारुति सियाज में माइलेज कंपैरिजंस क्या क्या है। होंडा सिटी आपको पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में 17.8 किलोमीटर पर लीटर की बात करती है, हुंडई वर्ना आपको 17.7 किलोमीटर पर लीटर की बात करती है, और मारुति सियाज छोटा इंजन कम पावर आउटपुट के बाद 21 किलोमीटर पर लीटर की बात करती है। तो आप देखिए 3 किलोमीटर पर लीटर का मोटा मोटे 4 किलोमीटर का फर्क है। पेट्रोल की अगर ऑटोमेटिक की बात करेंगे हम तो पेट्रोल ऑटोमेटिक 18.4 किलोमीटर पर लीटर होंडा सिटी देती है, हुंडई वरना 18.45 किलोमीटर पर लीटर देती है, और अगर मारुति सियाज की बात करेंगे अगेन वो 20.5 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है पेट्रोल ऑटोमेटिक में। दैट इज़ ब्यूटिफुल, दैट इज़ अमेजिंग।
अगर हम डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो होंडा सिटी 24.1 किलोमीटर की माइलेज देती है, हुंडई वर्ना 25 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है। मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल की बात कर रहा हूँ, जो कि मारुति सियाज में भी आया नहीं है, डीजल इंजन ऑप्शन नहीं आया है। अगर हम होंडा सिटी में डीजल ऑटोमेटिक की बात करते हैं तो हम माइलेज नहीं बताएंगे क्योंकि उनका डीजल ऑटोमेटिक अभी नहीं आया है। और डीजल ऑटोमेटिक में सिर्फ वरना आ रही है जिसमें 21.23 किलोमीटर पर लीटर की एआरईआई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से माइलेज क्लेम की जाती है। मारुति सियाज का अभी भी कोई डीजल इंजन ऑप्शन आया ही नहीं है। तो अगर हम माइलेज की होंडा सिटी और वरना की कंपैरिजन करेंगे, होंडा सिटी और हुंडई वरना की, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली सेम इंजन साइजेज हैं, सेम पावर आउटपुट्स भी ऑलमोस्ट सेम ही हैं, और उसी वजह से माइलेज भी ऑलमोस्ट सेम आ रही है। इसमें एफिशिएंसी में अगर हम देखेंगे, क्लियर विनर, एब्सोल्यूट क्लियर विनर इज मारुति सियाज इन पेट्रोल वेरिएंट्स। इन डीजल वेरिएंट्स अगर हम क्लियर विनर देखेंगे तो आपकी हुंडई वरना इज द क्लियर विनर इन डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन। एंड ऑफ कोर्स उसके पास ही सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डीजल में आ रहा है, तो ऑफ कोर्स वो तीन लोगों की रेस में इकलौता ही रनर है, तो नंबर वन भी वही है। तो ये कुछ बातें थी, मैंने आपको हुंडई वरना, होंडा सिटी और मारुति सियाज के बारे में बतानी थी। अच्छा, एक चीज़ और बताऊंगा, तीनों गाड़ियों में जो इंजन आ रहा है वो BS6 कंप्लायंट आ रहा है। BS4 के जितने भी इनके प्रीवियस मॉडल थे वो सारे डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। और आपको ये तो मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो में बताया था, 10.89 लाख से होंडा सिटी का 2020 वेरिएंट लॉन्च कर दिया गया है। और इसके अलावा अगर हम कर्व जैसे व्हील बेस की बात करेंगे, व्हील बेस में होंडा सिटी जो है 2600 mm का व्हील बेस देती है, वरना 2600 mm का देती है, सेम प्लेटफॉर्म है ऑलमोस्ट, और सियाज आपको 2650 का देती है। तो अगर आपको थोड़ा सा अंदर का कंफर्ट ज़्यादा चाहिए तो मारुति सियाज को ज़रूर देखें। अगर आप ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चलाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्पीडिंग नहीं करने, थ्रिल्स नहीं लेने, आपको एक कंफर्ट लग्जूरियस राइड चाहिए, तो मारुति सियाज इज़ ए बेटर ऑप्शन, जो आपको अंदर की स्पेस भी ज़्यादा दे रही है और आपको माइलेज भी बहुत ही खूबसूरत दे रही है अपने पेट्रोल वेरियंट में। अगर हम नॉर्मल कर्व वेट के बारे में बात करेंगे तो सियाज, मारुति सियाज इज मच लाइटर दैन दी अदर कार्स, इसीलिए शायद उसकी माइलेज भी बेटर है। तो ये कुछ कंपैरिजन थे जो मैंने आपको होंडा सिटी, हुंडई वरना और मारुति सियाज के बारे में बताए। ये कंपैरिजन्स को आप और डिटेल में देख सकते हैं कार्डो.इन की वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे और उनके बारे में पता भी कर सकते हैं, क्या कलर ऑप्शंस आते हैं, क्या वेरिएंट्स आते हैं। वहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजर से जाके लाइव चैट करिए, उनसे समझिए कि आपके लिए गाड़ी कौन सी सूटेड है, कौन सी नहीं है, कौन सी आपको खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए, क्यों खरीदनी चाहिए, सेडान लेनी चाहिए, एसयूवी लेनी चाहिए, सब कुछ आपको बताया जाएगा। डू विजिट कार्डो.इन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और बहुत सारे मज़ेदार ऐसे ही ज्ञान भरे वीडियोस के लिए कार्डो.इन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल एक और मज़ेदार टॉपिक लेके आऊँगा जिसमें हम बात करेंगे, एक और कुछ ज्ञान की बात है जैसे हम ट्यूजडे को करते ही हैं। तो आज का ये एपिसोड यहीं ओवर करूँगा मैं, ठीक है, कल आपसे फिर से मिलता हूँ, तब तक स्टे सेफ, स्टे प्रोटेक्टेड। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, बताएं उनको भैया ये डिफरेंसेस हैं, लेने से पहले एक बार कार्लो.इन जरूर विजिट कर लो। कल के लिए, कल तक के लिए नमस्कार।